हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एमपी में जो क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उनमें से मैं आपके लिए क्लास टेंथ इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दोस्तों तैयार कर लेने की, आपके त्रैमासिक एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर देख लेते हैं आपका पेपर किस प्रकार से आएगा। इसमें कुछ नोट दिए हुए जो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। पहला दिया हुआ ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, आपको सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है। दूसरा दिया हुआ है नोट टोटल मार्क्स क्वेश्चन, इसमें 5 नंबर के होंगे। एक इसमें से आपको टोटल क्वेश्चन होंगे 5 और प्रत्येक क्वेश्चन पर एक एक अंक मिलेगा, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 32 नंबर के। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ, टोटल मार्क्स क्वेश्चन होंगे 10, प्रत्येक अंक प्रत्येक प्रश्न पर दो दो अंक मिलेंगे, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 20 नंबर के। फिर इसके बाद टोटल मार्क्स क्वेश्चन होंगे 4 और 4 में से आप प्रत्येक क्वेश्चन पर 3-3 अंक मिलेंगे, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 12 नंबर के। फिर इसके बाद टोटल मार्क्स क्वेश्चन 4 होंगे, प्रत्येक पर 4-4 अंक मिलेंगे, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 16 नंबर के। फिर लास्ट में आपको नीट एंड क्लीन आपको डायग्राम बनाना है। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर तैयार कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। दूसरा अथवा में दिया हुआ है इसमें वाज लैंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। फिर बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कैन यू से हाउ 10 मई इज एन आउटमन डे इन साउथ अफ्रीका। अथवा में दिया हुआ है द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम व्हाट दिस स्टेटमेंट सजेस्ट व्हाट मेड द यंग सीजल टू फाइनली फ्लाई। 8 400 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन पे डाउट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाएगी। और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें UP बोर्ड .live, तो यहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अथवा में दिया हुआ है व्हाट ट्विंस ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये आपको दोस्तों स्टेंजा रीड कर लेना है। फिर क्वेश्चन इसके क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं हु रोट दिस पोएम व्हाट वुड बी ए बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। तीसरा दिया हुआ क्वेश्चन व्हाट डू फायर स्टैंड फॉर। दोस्तों ये पैसेज आपको पढ़ लेनी है ध्यानपूर्वक, फिर इसके इस पैसेज के अंदर से ये तीन क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। जब आप इसको पैसेज को पढ़ लेंगे तो आपको इसके आंसर मालूम चल जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आई विल टेक द रिस्क एक्सप्लेन द रिस्क वाई आर द नरेटर वाज रिप्लाई टू टेक इट। अथवा में दिया हुआ डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग ईयरलियर पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोसेसेस मीन। बी नंबर दिया हुआ क्वेश्चन व्हाट डू आई सी स्टैंड फॉर। सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है डज डाइन रियली राइम विद लॉयन कैन यू से इट इन सच ए वे दैट इट डज। सारे क्वेश्चन आपको ये तीन क्वेश्चन दिए, तीन में से आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं 20 वर्ड में। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राइट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स।
ये दोस्तों चार क्वेश्चन दिए, चार क्वेश्चन में से आपको तीन क्वेश्चन के आंसर 30 वर्ड्स में देने। पहला दिया हुआ है हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। बी नंबर दिया क्वेश्चन, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रोबोट। तीसरी नंबर दिया क्वेश्चन, हाउ हैज मैक्स गॉट इन। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। इस प्रकार से दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स ईच। तीन क्वेश्चन दिए हुए, तीन में से आपको दोस्तों दो क्वेश्चन के आंसर तैयार कर लेने। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन द नरेटर्स प्लेस। बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज यूसेबल से ही गोट इन। सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज ओसेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज ए बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम। लुक बैक एट हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, वाट मेक्स इट ए कन्विंसिंग स्टोरी। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं ये। दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेने, आपके एग्जाम में जरूर से पूछे जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।